कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान का काला चेहरा सामने आ गया है। उसके मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन इमरान सरकार वकील भी नहीं देना चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारत की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें जाधव के लिए भारतीय वकील या क्वींस काउंसिल देने की मांग की गई थी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में अपनी शर्मनाक हरकत दिखाई। भारत ने जाधव की सजा पर पुनर्विचार के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की अपील की थी और साथ ही एक भारतीय वकील या क्वींस काउंसलर को नियुक्त करने की मांग की थी। लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपना असली चेहरा दिखाते हुए इस बात से साफ इनकार कर दिया। क्वींस काउंसलर एक ऐसा बैरिस्टर या अधिवक्ता होता है जिसे लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर ब्रिटिश महारानी के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन भारत की मांग को खारिज करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान में ऐसा कोई वकील ही केस लड़ सकता है जिसके पास पाकिस्तान की बार का लाइसेंस हो। अब भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान पर आईजी के निर्णय को लागू करने के कर्तव्य को नहीं निभाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने अभी तक सभी दस्तावेज और जाधव तक पूर्ण राजनयिक पहुँच उपलब्ध नहीं कराई है। दरअसल इस महीने के शुरुआत में पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने संघीय सरकार को निर्देश दिया था कि वे भारत को जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दे। साथ ही सुनवाई एक महीने के लिए स्थगित कर दी थी। अब जब भारत ने कुलभूषण जाधव के मामले में भारतीय राजनयिक या फिर क्वींस काउंसिल नियुक्त किए जाने की मांग उठाई तो पाकिस्तान ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान की संसद ने उस अध्यादेश की अवधि 4 महीने बढ़ा दी है जो जाधव और अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देता है। जैसा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा था, पाकिस्तान इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी फटकार खा चुका है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था, हमें अभी मुख्य मुद्दों का हल करना बाकी है जिनमें मामले से जुड़े सभी दस्तावेज शामिल कर जाधव को बिना शर्त और बेरोक टोक राजनयिक पहुंच मुहैया कराना और स्वतंत्र निष्पक्ष सुनवाई के लिए एक भारतीय वकील या क्वींस काउंसिल नियुक्त करना शामिल है। बहरहाल जाधव तक राजनयिक पहुंच देने से मना किए जाने पर भारत ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ ICJ का रुख किया था और एक अन्य अदालत की ओर से उन्हें जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में सुनाई गई मौत की सजा को चुनौती दी थी। हेग स्थित ICJ ने जुलाई 2019 में ये फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव की दोष सिद्धि और सजा की आवश्यक ही प्रभावी समीक्षा करनी चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही बगैर देर किए जाधव को भारत द्वारा राजनयिक पहुंच मुहैया कराने देने को भी कहा था। बावजूद इसके ना तो पाकिस्तान इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहा है और ना ही ICJ। कुलभूषण मामले में पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हार भी चुका है, लेकिन इमरान की सरकार इतनी मजबूर है कि एक वकील नियुक्त करने में भी डर रही है। इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में कानून का राज है ही नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।